नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको मैं आज महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है, सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक विद्वान परंतु गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियम का बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना विष्णु का मंदिर था। उसमें वह प्रतिदिन नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को धन देने का इच्छा जाहिर की और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया उस ब्राह्मण को। विष्णु जी ने बोले, मंदिर के सामने एक औरत गंडे थापने आती है, सुबह आकर उसे तुम पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना। तब तक आग्रह करना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार न कर ले। वह मेरी पत्नी लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे ही दिन वह सुबह उठकर 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया ब्राह्मण। जब लक्ष्मी जी ने गंडा थापने आई तो उसको उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई, आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण ने उसका आंचल पकड़ा रखा है। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने का आग्रह की, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा उसका आंचल। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी तब छोड़ूंगी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत धारण करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई पति पत्नी दोनों, लक्ष्मी जी ने उनकी आवाज सुनकर चली आई और उसके साथ भोजन करके उसी के घर में निवास करने लगी। तभी से यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आइएगा, हमारे भी घर पधारिएगा। जय लक्ष्मी माता। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। उस दिन सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर नए नए वस्त्र पहने और भोग लगाएं, आचमन कराकर फूल दीप धूप चंदन आदि से आरती करें और भोग लगाकर आरती करके प्रसाद बांट दें। रात्रि को चंद्रमा निकलते पर उसे अर्घ देवों और आरती करें, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत करने से धन्य धान्य की वृद्धि होती और सुख की प्राप्ति होती है।